सर इसका संदेश तो जाएगा ही, भले आपकी निजी मुलाकात है दलित मुस्लिम पर, ये चूंकि उपचुनाव भी इसमें ऐसे में संदेश तो जाएगा। ये आप जाति के आधार पर जोड़ रहे हैं? ये नहीं, जाति के आधार पर नहीं, ये संदेश तो चला ही जाएगा। आप इसके लिए क्यों नहीं कहते कि एक एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ, तो ये मुलाकात एक वो जो जुल्म सहरा और एक जिसके ऊपर जुल्म हुआ गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है? पिछले साल से सर बंद है, एक साल हो गया, इससे पहले भी मुलाकात नहीं होता है। लगातार लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है, उनके साथी जो यहाँ थे उनके जरिए मेरी, मैं जानकारी लेता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसीलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि आज अब ज्यादा मेरे भाई को मेरी जरूरत है, तो ऐसे समय पर मेरा चुनाव में घूमना या वो सब चीजें बाद में मैंने उनको लिया, और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलके उनके हालात को जानूं। अच्छा बात क्या हुई, क्या कुछ दर्द तकलीफ कुछ बताई हो, कुछ वो भी तो शेयर कीजिए। आप जेल के अंदर का हम लोगों को नहीं पता चलता ना, थोड़ा सा बताइए। आपको क्या लगता है एक एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? आपने क्या उसके चेहरे पे, उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया, उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूं अन्याय के खिलाफ उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हट सकता। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पर दया कर रही है नए मुकदमे लगा के, तो कह रहे चाहे कितने मुकदमे लग जाएं मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं जो लड़ाई हमारी चली आ रही लंबे समय से वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। आजम खान परिवार से पूरा पारिवारिक संबंध क्या माना जाए, भविष्य में आपके साथ आ सकते हैं आप लोग? वो मेरे साथ हैं भाई, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके पिता आपकी माता आपके साथ नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे साथ हैं, और ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ हैं। राजनीतिक तौर पर भी साथ आ सकते हैं, मायने निकाले जा रहे हैं ये माना कि ये आप मीडिया के बंधुओं का काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका। और राजनीतिक लाभ की वो होती या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहां गया। और बहुत जल्द जो है मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं काले बादल भी हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबत होगी ये भी हटेंगे, और एक दिन सवेरा भी आएगा और फिर से उतनी ताकत मिलेगी जिस ताकत के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।